नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गौरी की रसोई में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही हेल्दी साथ के साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी गाजर का हलवा। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गाजर ले लेना है। मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजर लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको गाजर बिल्कुल लाल लाल लेने हैं। अभी सीज़न है गाजर का, तो आपको गाजर बिल्कुल आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो मैंने गाजर को वॉश करके उसके छिलके निकाल के उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसका हलवा बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो खोया लिया है और 100 ग्राम के करीब घी ले लिया है। और मैंने काजू बादाम को बड़े लंबे लंबे साइज़ में कट कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। मैंने एक बार में पूरा घी नहीं डाला है, मैंने इतना घी बचा लिया है। अब हम ये घी बाद में डालेंगे। इस तरीके से हमें घी को चारों तरफ फैला लेना है। आप फ्रेंड्स घी ही यूज़ करें, तेल में ना बनाएं, इससे गाजर का हलवा टेस्टी नहीं बनेगा। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। घी गर्म हो चुका है। अब इसे मिक्स कर लेना है। हमने इसे मिला लिया है। अब जो बाकी का गाजर है वो ऐड करेंगे। है, अब हम इसे ढककर पकाएंगे कुछ सेकंड। फ्लेम हमें मीडियम रखना है। हलवे को एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार इसे चला लेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गाजर गलना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम 1/2 लीटर दूध ले लिया है। फ्रेंड्स, मैं ये ऐड कर रही हूँ। मैंने मलाई वाला दूध लिया है, आप देख सकते हैं। इन सभी को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। हमें इसे फिर से ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक के लिए पकाना है। चलिए हम एक बार हलवे को चेक कर लेते हैं। एक बार इसे चला लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही हेल्दी भी है, साथ के साथ बहुत ही टेस्टी। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी है, जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं। अब हमें इसे बिना ढके पकाना है फ्रेंड्स, जब तक इसका दूध ना सूख जाए। इस तरीके से हमें इसे बीच बीच में चला भी लेना है। और आप देख सकते हैं दूध सूखने लगा है। देखिए फ्रेंड्स, दूध बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 500 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
फ्रेंड्स, चीनी डालने के बाद इस तरीके का हो जाएगा हमारा हलवा। तो हमें इसे फिर से सुखाना है। देखिए फ्रेंड्स, चीनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है हलवे में। अब हमने जो घी बचाया था वो ऐड कर देंगे इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमने जितना गाजर लिया था उसका आधा हो चुका है अब ये। इसमें हमें कोई फूड कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारे हलवे में, आप देख सकते हैं। और जैसा दिखेगा वैसा ही बनेगा गौरी की रसोई में। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये कैसी बनी है। हमने खोया को भी कद्दूकस कर लिया है। अब हम ये ऐड करेंगे हलवे में। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। अब हम इसमें हमने जो काजू बादाम कट कर रखे थे वो ऐड करेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आपको नारियल पसंद हो फ्रेंड्स, तो आप अब उसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं, और किशमिश भी। हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा मेवा मैं ऊपर से भी छीट देती हूँ फ्रेंड्स इसमें। अब हम इस पे थोड़ा सा खोया डालकर इसे डेकोरेट कर देंगे। अब थोड़ा सा बादाम डालेंगे। थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा पिस्ता बादाम डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा गाजर का हलवा तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसी बनी है, जिससे मैं आप सभी के लिए एक नई नई वीडियो डेली लाती रहूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।